अस्सलाम वालेकुम वर्स, आप देख रहे हैं अनायस किचन। अनायस किचन में आज मैं आप लोगों के लिए मज़ेदार यमी कुलचा नान लेकर आई हूँ। बहुत ही इजी मेथड है, मैं आप लोगों को दो मेथड बताऊँगी। ये देखें, मैंने बॉयल पानी लिया है, नीम गर्म पानी है। इसके अंदर 1 टेबल स्पून मैंने चीनी शामिल की है और 1 टी स्पून मैंने नमक शामिल किया है और ये ईस्ट है। मैं तकरीबन 1 टेबल स्पून भर के लूँगी, हीप लूँगी, लेवल नहीं लूँगी। ये देखें, मैं भी ये 1 टेबल स्पून से थोड़ा सा कम है, मैं थोड़ा सा और शामिल करूँगी इसके अंदर। अच्छा से इसको मिक्स करेंगे ताकि पानी के अंदर अच्छा डिज़ोल्व हो जाए। थोड़ा सा मैं और ऐड कर रही हूँ, ये तकरीबन 1 टेबल स्पून है भर के, क्योंकि मैं 3 कप फाइन आटा लूँगी, मैदा नहीं लूँगी। हमेशा रोटियाँ वगैरह जो है ना, तंदूरी, ये सब फाइन आटे की अच्छी बनती है, तो कोशिश करिएगा आप लोग फाइन आटा लीजिएगा। ये मेजरी कप है, ये 3 कप में फाइन आटा ले रही हूँ। ये देखें, 3 कप मैं इसमें शामिल कर रही हूँ। ये देखें, तकरीबन ये 3 कप हो गया। ये इसके अंदर तकरीबन 2-3 टेबल स्पून मैं ऑयल शामिल कर रही हूँ, तकरीबन 3 टेबल स्पून। और ये जो मैंने डिज़ोल्व करके रखा था शुगर, सॉल्ट और ईस्ट, ये मैं इसका बैटर इसमें डाल रही हूँ। ये देखिए, दही है, हाफ़ प्याली मैंने दही ली है। और इसको हम अच्छा से पहले मिक्स करेंगे। अभी मैंने इसके अंदर पानी या दूध कुछ भी शामिल नहीं किया, जो हमारे ईस्ट का पानी था उसी से मैं गूंद रही हूँ। कोशिश करिएगा चाहे आप दूध लें या पानी लें, हमेशा नीम गर्म उससे इसको गूंदें। और इसकी डो हमें बहुत अच्छी सॉफ्ट और बहुत अच्छी गूंदनी है, इससे हमारी रोटियाँ बहुत सॉफ्ट बनेंगी। थोड़ा थोड़ा पानी में शामिल कर रही हूँ, एकदम से हम नहीं डालेंगे कि कहीं हमारा आटा पतला ना हो जाए। अच्छी सी हम डो इसकी तैयार कर लेंगे। मैं आप लोगों को दो मेथड बताऊंगी, एक बहुत इजी वे है और एक जो आजकल ट्रेंडिंग वे है, जो तवे पे हम लोग रखते हैं और उसको उल्टा करके सेकते हैं। मैं दोनों मेथड आपको बताऊंगी, वीडियो आप लोग आखिर तक देखिएगा। ये देखें, डो को हमारी, मैंने इसको गूंद लिया है, 2-3 मुक्कियाँ मैं इसमें मारूंगी। और सबसे बेस्ट जो है काउंटर पे होता है, ये देखिए मैं हमेशा काउंटर पे रख के इसको गूंदती हूँ। ये देखें, जितना अच्छा आप करेंगे उतनी सॉफ्ट आपकी डो बनेगी और आपकी डो नीट होगी। ये देखिए आप, अच्छा मैं डो को तकरीबन हाफ़ एन आवर में रखूँगी, मैं ज़्यादा नहीं रखूँगी, मैं ज़्यादा फुली हुई ईस्ट की नहीं बनाऊँगी। आप चाहे तो इसको पूरा राइज होने दीजिएगा, बाज़ लोगों को बहुत ज़्यादा वाली खमीरी रोटी पसंद होती है, तो आप इसको 1-1.5 घंटे के लिए छोड़ दीजिएगा, तो इसका खमीर बहुत अच्छा सा फूल जाएगा। मैं इसको, ये देखें, 1/2 घंटे बाद ही, फिर भी आप ये देखें कितने अच्छा हमारा डो ये राइज हो गया। अब मैं इसके पेड़े में कट कर लूँगी, पीसीस में कट कर लूँगी, ताकि मुझे पता रहे कि मुझे एक जैसे पेड़े बनाने। ये देखिए, एक जैसे मैं कट कर रही हूँ। आप चाहे तो पेड़े बना के भी इसको ढक कर रख दें ताकि और राइज हो जाए। ये देखिए, मैंने इसको बराबर सबको कट कर लिए। अब मैं इसके पेड़े बनाती जाऊँगी। आप चाहे तो पेड़े बना के भी रख सकते हैं ताकि आपकी डो जो है अच्छी से राइज हो जाए। ये देखें, और आप चाहें तो, अगर आप मोटे नान खाना चाहते हैं तो आप मोटे रखें, आप पतले खाना चाहते हैं आप पतले रखें, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। ये देखें, आप चाहे धनिया, चाहे कसूरी मेथी, चाहे कलौंजी, कुछ भी आपको पसंद हो उसके ऊपर डाल सकते हैं। ये देखें, ये पत्ते हैं अभी भी, ये देखें निकल रहे हैं, तो इस पर जो है मैं थोड़ा सा पानी लगाऊँगी इसके ऊपर, हल्का सा हाथों की मदद से, ताकि हमें जब हम बेलें तो ये निकले नहीं। ये देखें,
ना मैं नान बहुत मोटे बनाऊंगी और ना बहुत पतले बनाऊंगी, मैं दरमियाना साइज़ रखूंगी। इसके ऊपर मैं थोड़े से वाइट तिल जो होते हैं उसको मैं स्प्रिंकल कर रही हूँ। ये देखिए हल्का सा मैंने बेलन मारा, ये दब जाएगा। थोड़ा सा पानी मैं और लगा रही हूँ क्योंकि ये चीज़ें निकलती रहेंगी, तो मैं हल्का सा मैंने पानी लगा के इसको थोड़ा सा बेल दिया। अभी देखिए चिपक गया। अब मैं इस पर हल्का सा जो है फॉक्स से निशाना दूंगी, ये देखें लाइट सा। तवा मैंने गरम कर लिया था, उसके बाद मैंने इस पर हल्का सा ऑयल लगाया। और ये देखें मैं रोटियां डाल रही हूँ, आँच बहुत तेज़ मत रखिएगा वरना एकदम से पक जाएगी और ये फूलेगी नहीं। अभी आप ये देखिएगा हल्की हल्की सी इसमें बबल्स बनना शुरू हो जाएंगे, देखें बबल्स बन रही ना, तो ये नान हमारी हल्की हल्की फूल रही है। जब आप इसको 2-3 घंटे रखेंगे तो इसका खमीर और फूल जाएगा। ये देखें ज़बरदस्त मज़ेदार, ये देखिए तवे पे फटाफट बन जाते हैं आपके कुलचे वाले नान। ये सिंपल तरीका है, मैं आपको एक और तरीका बताती हूँ। ये देखिए हमारे नान रेडी हो गए, इसमें मैं बटर लगा रही हूँ, से बहुत ही मज़ेदार नान होंगे हमारे। अभी मेरी वीडियो ख़त्म नहीं हुई, आप मेरा दूसरा मेथड जो है वो ज़रूर देख लीजिए और ज़रूर ये नान ट्राई करिएगा। बहुत ही मज़ेदार है, ईजी है, फटाफट बनते हैं, ये मिनटों में बनने वाले नान हैं। इसको ज़रूर ट्राई करिएगा और मुझे बताइएगा। दूसरा मेथड मैं आपको बताती हूँ। ये देखिए जब हमने रोटी बेल ली तो उसके ऊपर हमने पानी लगा दिया और उसको तवे पे रख दिया, तो इन चीज़ें चिपक जाएगी। और मैंने इसके ऊपर इसलिए कवर कर दिया कि ये ना अच्छे से फूल जाता है बिल्कुल। और फिर हम इसको जब नीचे पक जाएगा तो हम ये तवा उल्टा करके इसको सेकेंगे ताकि ये अच्छा सा कलर आ जाए, बिल्कुल नान वाला कलर आ जाए। ये देखें ज़रूर बनाइएगा, मुझे बताइएगा। अल्लाह हाफिज़।